वाले आज निश्चय भैया का ड्राइंग भाई। तो भाई मैं यहाँ पे स्केच स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्केच स्टार्ट किया है क्योंकि चारकोल पेंसिल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आउटलाइनिंग चारकोल पेंसिल से किया हूँ तो मैंने नहीं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले नॉर्मल स्केच आउटलाइन कर लिया था घर पर बैठ के ही ऐसी। तो भाई मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं इसका, तो मैंने स्टार्ट कर लिया वीडियो बनाना। भाई अच्छा लगेगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अरे भाई ये कोयल और कौवा बहुत चिल्ला रहा है यार। तो ये यहाँ पे मैंने इनके हेयर को कर लिया, कैसा लगेगा भाई ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहाँ पे जैसे तैसे डाले जा रहा हूँ भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई आप शेयर करिए भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। भाई आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे भाई मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। भाई यहाँ पे मैंने इस पेपर को ले लिया क्योंकि भाई वो सब फैले जा रहा था, मतलब चारकोल पेंसिल से मैं कर रहा था तो वो चारकोल पेंसिल सब जगह फैले जा रहा था, इसलिए मैंने पेपर ले लिया यहाँ पे। यार मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाए इसलिए मैंने पेपर ले ही लिया पहले ही। मैंने सोचा था कि बिना पेपर का करता हूँ मगर नहीं, पेपर लेना अच्छा है। अब मैं यहाँ पे पूरा हेयर मेक कर लूँगा, यहाँ पे जितना पाता हूँ उतना कर लेते हैं हम। भाई अगर भाई आप कमेंट में जरूर बताना कि ये सेम बना है कि नहीं, अगर आप निश्चय भैया को जानते हैं तो, क्योंकि ये भी एक बड़े यूट्यूबर है तो उनका चैनल आप सर्च मान लीजिए, सर्च कर सकते हैं लाइव इंसान के नाम से। तो मैंने इनका हेयर तो अभी बना दिया है, अभी और थोड़ा काम बाकी है। इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगा इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके, मैंने इस ड्राइंग को भाई बहुत आराम से बनाया था, इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा आसानी से आपको दिखा दिया जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे अभी साइड हेयर कर दे रहा हूँ, अभी तो आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, फिर से जब कैमरा एंगल मैं चेंज करूँगा अभी तो भाई मैं आपको लाइट थोड़ा ब्राइट कम कर दूँगा तो आप साफ से देख लेना। अच्छी तरह से हेयर नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई लाइट ज़्यादा हो रहा है। मैं बनाने वीडियो बन गया यार तब मैं देख रहा था इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है जब मेरा ध्यान गया तब जाके मैंने ठीक किया इसको। तो अभी तक मैंने यहाँ तक तो कर लिया इसका हेयर कंप्लीट, अभी मैं इस साइड भी कर लूँगा कम्प्लीट। इधर पे भाई इस कॉटन लेके भाई इसको कर लेते हैं, यहाँ मैंने डीप और थोड़ा डीप दिया है मैंने भाई। अभी इस साइड का भी थोड़ा थोड़ा हेयर आराम से करते हैं नॉर्मल पेंसिल से। नॉर्मल सारे तरह के पेंसिल मैंने इस ड्राइंग में यूज़ किए हैं, यहाँ पे थोड़ा डीप और दे देते हैं उसके ऊपर से। मैंने इरेज तो किया मगर पूरा इरेज नहीं किया था। अब मैं इस साइड के बैकग्राउंड को नॉर्मल रखूँगा। ये ड्राइंग मैं अपने से कर रहा हूँ भाई, ये मैंने एक फ़ोटो में देखा था और उसको ही देख के बना रहा हूँ, आप बताना कैसा बना है। और हाँ गाइस मेरे वीडियो में भाई कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। अभी मैंने यहाँ तक तो कर लिया, इसको कर लेते हैं कम्प्लीटेड। अभी मैंने ये फ्लावर है भाई, पीछे फ्लावर नहीं है, ये कोई शादी में गए थे या किसी का बर्थडे भी तो वहाँ पे ये डेकोरेशन था ऐसा ही, मैंने उसे ये देख के बनाया है। माना कि हूँ नहीं हो पाया भाई, सेम नहीं बना पाया मैं जितना पाया हो उतना कर सका तो मैंने कर दिया। मैं बिना देखे कोई डायरेक्ट थोड़े ना एक ड्राइंग बना देगा भाई, मैं जितना सक रहा था वही कर लिया क्योंकि मुझे उतना अच्छे से याद नहीं था कि कहाँ पर कौन सा चीज़ था, मैंने याद कर करके किया है इस ड्राइंग को कम्प्लीटेड। तो यहाँ तक तो मैंने कम्प्लीट कर लिया और बैकग्राउंड में बहुत सारे फ्लावर हैं और हम एक साइड तो भाई आदमी दो चार खड़े हैं बस उसे बनाना है, देख के हम उसे भी बना देंगे। देखेंगे मैंने आउटलाइनिंग कर लिया था तो आसान हो जाएगा हमारा बनाना करके, इसको भी मिक्स कर लेते हैं हम इस साइड भी। अभी हमें बहुत काम है यहाँ पे, नॉर्मल मैं इस कॉटन से घिस देता थोड़ा डीप हो जाए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी तक क्योंकि मैंने थोड़ा लाइट कर दिया है इस जगह को, इसमें आउट एकदम भाई डीप कर दूंगा बाकी सबको सब जगह। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, आईब्रो में मैं बना रहा हूँ तो उसमें भी लाइट पड़ रहा है तो उसको मैं वाइट छोड़ दूंगा उस जगह। अब यहाँ पे भी थोड़ा बना देना है हमें, नहीं से कर रहा हूँ अभी ये ग्लास है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वाइट छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया एक पतला सा लेयर, ये दोनों साइड छोड़ना है तो मैं वहाँ पर कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, अभी साइड के आईब्रो में भी वैसे करना था मगर मैं अभी आइस कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो भाई पूरा ड्राइंग ख़राब हो सकता है क्योंकि भाई आँख पे ही डिपेंड करता है इंसान का रिएक्शन। मुझे वाइट छोड़ना था मगर मैं वाइटनर का यूज़ करूँगा वाइट के लिए। मैं अभी इसे कॉटन से घिस देता हूँ और नीचे की तरफ कर लेते हैं आँख को, पूरा आँख बना ले रहे हैं।
मैं आगे इसको मिटा ले रहा हूँ, तो ये मैं आराम से करूँगा, इसको इसको मिक्स कर लेते हैं। समझो? समझो? तो भाई मैंने अब यहाँ पे इसके नीचे मैं इस ग्लास को कर लेता हूँ कम्प्लीटेड, मैं इसको फील कर लेता हूँ पूरा, और बाकी जगह वाइट छोड़ देना हमें इस आँख में भाई, और कुछ नहीं करना हमें, बस यहाँ पे थोड़े से आईब्रोज लाइनिंग है तो मैंने उसे कर दिया है, कॉटन से मिला देंगे तो बस सब काम हो गया यार। मैं इसको उसको यहाँ पे भी कर देता हूँ, मेरा यार पेंसिल टूट जाता है हमेशा, तो मैं इसको भी वही डीप पेंसिल से कर दूँगा। देखो मुझे पतला गैप यहाँ भी छोड़ना है, आराम से कर रहे हैं, ये भी लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। अभी हम चारकोल पेंसिल कर रहे हैं इसलिए मैं वाइट जगह को वही वो कर रहा हूँ, नॉर्मल पेंसिल को मिटाना पड़ रहा है। तो अब मैं कैमरा एंगल चेंज कर ले रहा हूँ जल्दी से, मैंने चेंज कर लिया है और इस जगह को भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इस आँख को थोड़ा छोटा टाइप में बनाना है हमें, क्योंकि ये स्माइली फेस है तो इसमें भाई ये लुक अच्छा लगेगा। मैं इस आँख को जल्दी जल्दी कम्प्लीट करता हूँ, इसे भी अभी मैं इसके आई बॉल को बनाऊँगा, मैं अभी इसके ऊपर की वही साइडों को दे रहा हूँ, परछाई जो आता है भाई लेंस का वो दे रहा था, मैं इसको ब्लैक कर लूँगा। आईब्रो की वाइट तो इस जगह को वाइट छोड़ देंगे, नीचे की तरफ भी भाई थोड़ा वाइट छोड़ना है हमें, और इसको पूरे डीप कर लेते हैं हम, वो तो मैं चार्कोल पेंसिल से ही करूँगा भाई। वो एक आईबॉल छोटा हो गया यार, इसलिए छोटा बड़ा हो गया था इसलिए इसको वाइट यहाँ से भाई मिक्स कर दिया, इसको बराबर ठीक कर दिया मैंने भाई। अभी आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो भाई मैं इसको कर ले रहा हूँ। अब इस जगह को भाई फ्लावर यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर देते हैं बनाना, यहाँ पर जितना और बाकी है मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर भी हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है नॉर्मल। अब हम यहाँ पे कानों को बनाएंगे, हम यहाँ दिख नहीं रहे अच्छी तरह से, मैं ऐसे ही नॉर्मल बना दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये लाइट इफेक्ट पड़ रहा है इधर, और यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है, मैं ऐसे ही नॉर्मल उसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, और कुछ करना नहीं है उसमें ज़्यादा। तो मैं पीछे का बैकग्राउंड को पूरा घिस देता हूँ अच्छी तरह से, नहीं ऐसे घिसते से नहीं हो रहा है, मुझे फिंगर लगाना ही पड़ेगा बाद में, तो फिंगर मैं लगा ही दिया, क्या करूँ। अब हम नोज़ को बना रहे हैं, जिसमें हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे नोज़ को, यहाँ पे साइडों थोड़ा थोड़ा तो मैंने साइडों दे दिया, इधर पे भी कॉटन से घेस लिया। तो भाई अब मैं इस आउटलाइन को कर ले रहा हूँ कम्प्लीट यहाँ से जल्दी जल्दी, और अभी हम स्माइल को बनाना स्टार्ट कर देंगे, मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं स्माइल को यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाकी टीथ को वाइट छोड़ के और बाकी सब मैं ब्लैक कर दूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने टीथ को कर लिया और यहाँ पे अब हम लिप्स को कर रहे हैं ऊपर से नॉर्मल हल्का सा साइड में देंगे इसमें, और इसको कॉटन से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद नीचे के साइड में देंगे। अब मैं इस साइड की लाइनिंग को भी कंप्लीट कर ले रहा हूँ जल्दी से, और यहाँ पे भी थोड़ा शेडिंग था तो मैंने कर लिया उसे, और इधर भी करना है बस, बाकी काम तो हो गया है समझो। मैंने थोड़ा आउट लाइनिंग दिया और भाई नीचे में बहुत काम है, नीचे की तरफ तो मैं कर रहा हूँ, इस जगह को मैंने कर दिया, यहाँ पे थोड़ा लिप नीचे थोड़ा भाई ब्लैकनेस है, उनका चेहरा थोड़ा गोल सा हो गया है और थोड़ा लंबा करना चाहिए था मुझे। आई थिंक ये अच्छा बना होगा। यहाँ पे दाढ़ी है तो मैं दाढ़ी को भाई ब्लैक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 12B पेंसिल का यूज़ किया है, 12B, 8B, 10B एंड चारकोल पेंसिल, और नॉर्मल पेंसिल्स का यूज़ किया मैंने। तो यहाँ पे भाई 8B से भाई यहाँ पे आउटलाइन करते हैं, यहाँ किस साइड की ईयर को मैं बना रहा हूँ।
यहाँ पर भाई चश्मे का वो था, उसको मैं भूल गया था बना दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सेटिंग देना था, तो मैंने कर दिया उसी पेंसिल से नॉर्मल। तो भाई मैंने यहाँ तक तो कर लिया, अभी इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इसमें दाढ़ी भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद मुझे अब बैकग्राउंड का सेटिंग देना है, तो भाई मैं नॉर्मली यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसके बाद भाई मुझे बैकग्राउंड में तो करना ही है, पहले यहाँ पे जितना काम है भाई मैं कर ले रहा ख़त्म, उसके बाद बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में पूरा करना होगा हमें। मैं बैकग्राउंड स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस है, तो भाई मैं वहाँ पे इस तरह का था, तो मैंने बना दिया सेम एक गुम्बद सा था, मैंने बना दिया उसको, ब्लैक कर लिया मैंने। अब ये ऐसे नॉर्मल गेट हो गया। और यहाँ भाई भाई एक दो इंसान खड़े थे, तो भाई मैंने उसको भाई पूरा ब्लैक कर दिया है। भाई मैं नीचे के साइड तो कर ले रहा हूँ फास्ट, अभी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे चेयर बहुत सारे रखे थे, तो मैंने कुछ बना दिया भाई, दिख रहा था तो मैंने बना दिया, तो बाकी सब मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे भी एक इंसान खड़ा, तो मैंने उसे भी कर दिया कंप्लीट, जितना दिख रहा है इंसान नहीं था वो ऐसे चेयर टाइप का वैसे ही था, इस भी इंसान बैठा हुआ था, तो मैंने उसे बना दिया। और तो नॉर्मल गेट हो गया है, मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ इस साइड के लिए भी। इस साइड का बैकग्राउंड भी बहुत आसान था, तो मैंने वैसे ही बना दिया, बस ऐसे शेडिंग दे देना था, बस काम ख़त्म। इसके बाद भाई नीचे का ड्रेस भी है, तो उसको भी मैं बनाऊंगा। भाई अब मैं इसको पूरा ऐसे ट्राइंगल टाइप किया हूँ, उसके बाद मैं जैसा सर्कल था तो मैंने सर्कल को कर दिया। अब यहाँ से ड्रेस हो जाएगा, तो मैं ड्रेस बना रहा हूँ थोड़ा उठा कर, पूरा नीक वाइट रहेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डीप दूंगा, डीप के लिए भाई सेडिंग होगा। मैं अभी ईट भी पेंसिल्स कर रहा था, और इस टाइप का लाइट देना, तो मैं नॉर्मल मिक्स कर देंगे। जल्दी ड्रेस को कर लेते हैं कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। उसके बाद अब सिर्फ ड्रेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे कर लेंगे ड्रेस को। तो भाई अंदर का कपड़ा बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद कोट है भाई, कोट में नॉर्मल आउटलाइंस है, और ऊपर से उसमें सेडिंग देना है, बस नॉर्मल फिंगर से मैच कर देंगे, मिक्स करना है। तो भाई इसके बाद मुझे यहाँ पे फोल्डिंग कपड़ा करना था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैंने इसको कर लिया ऐसी, और मैं यहाँ पे ऊपर की साइड मैं थोड़ा डीप दूंगा, तो मैंने डीप दे दिया है, और सेम यही प्रोसेस मुझे इस साइड करना है। तो भाई मैं जल्दी 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 जितना जल्दी कर सकता हूँ उतना जल्दी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे फोल्डिंग देना है, तो मैं ऐसे ही दिए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं भाई कितना टाइम लगता है भाई, जो कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, आराम से मैंने किया यहाँ पे। अब इस साइड के लिए भी भाई मैं वैसे ही करूँगा। तीन बार एक कपड़ा फोल्ड था, तो मैंने कर लिया, इसके ऊपर हल्का पेंसिल मैंने घिस दिया। देखो भाई अब मैंने इसके ऊपर ऐसे किया, तो मुझे और एक बार पेंसिल चलाना होगा अब इसमें, इसलिए मुझे पहले ही घिस लेना चाहिए था, उसके बाद पेंसिल से करना चाहिए था। यहाँ पे पेंसिल फैल जाएगा, इसलिए मैं इस का पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि भाई नेक पे थोड़ा साइड होता डीप, तो मैंने उसे भी दिया, जो कपड़ा का साइड होता मैंने उस तरह कर दिया, और मैंने इस गेट को कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तो भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भाई इसको शेयर जरूर करिएगा भाई, बहुत मेहनत से भाई मैंने बनाया यहाँ पे। उसके भाई लिप्स, भाई लिप्स तो आसान था भाई, जितना आईज आँखों सब मैंने किया है भाई। अच्छा लगे तो भाई जरूर भाई इसको शेयर करिए।